हे hey दोस्तों, 2013 में आई एक फिल्म शूट आउट एट वडाला मान्या सुर्वे की ही जिंदगी पर आधारित थी, जिसमें जॉन इब्राहिम ने मान्या सुर्वे का किरदार निभाया था। दोस्तों, मान्या सुर्वे का जन्म 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी कोकर क्षेत्र के रंपर गांव में हुआ था। 1952 में मान्या अपनी माँ और बड़े पिता के साथ मुंबई रहने के लिए आया था। मुंबई आने के बाद कई सालों तक वह लोअर परेल की चोल में रहने लगा। मान्या कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट है। उसने कॉलेज में ही छात्रों के साथ एक गैंग का निर्माण किया था। उस समय मान्या सुर्वे के गैंग में मुख्य रूप से सुमेश देसाई, भार्गव दादा शामिल थे। इस गैंग ने उस समय के प्रसिद्ध पठान डॉन को भी पूरी तरह भयभीत में कर दिया था, जो पिछले 2 दशकों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा था। लेकिन पठान ने भी अपने विरोधी गैंग केसर ग्रुप को पराजित करने के लिए मान्या सुर्वे की ही सहायता ली थी। इस गैंग का नेतृत्व दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई सबीर कर रहा था। मान्या की सफलता का यही सबसे सुलझा हुआ राज था कि उस समय शहर की सबसे मशहूर गैंग भी उसकी सहायता लेने के लिए उसके पास आते थे। ऐसा करते हुए वह दूसरों को खत्म कर दिया करता था। यह मुंबई में उस समय अंडरवर्ल्ड का पढ़ा लिखा पहला हिंदू गैंगस्टर था, जिसका दादर से आगरा बाजार तक सम्मान किया जाता था। इस समय तक उसने अपने गैंग में और कई भरोसेमंद साथियों को ऐड कर लिया था, जैसे शेख मुनीर, विष्णु पाटिल और उदय भी उसकी गैंग में शामिल हो चुके थे। मान्या सुर्वे ने साल 1969 में किसी दांदेकर का मर्डर किया और उम्र कैद की सजा पाकर जेल चला गया। पुणे की जेल में मान्या का दबदबा बढ़ने लगा और वहां वह पहले से ज्यादा खूंखार हो गया। वो अक्सर जेल में दूसरे गैंग के बदमाशों को पीटता था। इसके बाद उसे रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन वहां उसने भूख हड़ताल कर दी। तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 14 नवंबर 1979 को पुलिस को चकमा देकर मान्या फरार हो गया। इसके बाद मुंबई आया और फिर नए सिरे से नए गैंग की शुरुआत की। इस गैंग ने अपनी पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 को की, जिसमें उन्होंने एक अम्बेसडर कार चोरी की। बाद में पता चला कि इसी गाड़ी का उपयोग करी रोड स्थित लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी की डकैती के लिए किया गया था। 15 अप्रैल को उन्होंने सामूहिक रूप से हमला किया और शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को मार दिया। जेल से निकलने के बाद मान्या ने एक प्लॉट ले लिया था और फिर सरकारी मिल्क स्कीम की बोली के पैसों को लूटा और मुंबई अंडरवर्ल्ड में फिर से अपना नाम बनाया। मान्या सुर्वे द्वारा की गई चोरियों में केनरा बैंक डकैती भी शामिल है, लेकिन धीरे धीरे मान्या सुर्वे की आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी। उसी समय मुंबई पुलिस ने भी क्रिमिनल गतिविधियां करने वाले लोगों का तमाशा देखना बंद कर दिया था और अब वे सीधा एनकाउंटर किया करते थे। उसी समय इंस्पेक्टर इसाक भागवत राजा रामभट्ट ने मान्या सर्वे के केस को अपने हाथ में लिया और मान्या सर्वे के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। 22 जून 1981 को पुलिस ने कल्याण के पास की केमिकल कंपनी से शेख मुनीर को गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने गोरेगांव के एक लॉज से दयानंद और परशुराम काटकर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अपनी गिरफ्तारी से घबराकर मान्या 19 नवंबर 1981 को भिंडवी चला गया था और जब पुलिस ने मान्या सर्वे के अपार्टमेंट की तलाशी ली तो उसे वहाँ देश में बने अवैध हथियार, ग्रेनेड और गोला बारूद मिले। 1982 में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए एक एनकाउंटर में मान्या सुर्वे की मौत हो गई। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही मुंबई पुलिस को मान्या सुर्वे को मारने की टिप दे रखी थी और उसी ने मान्या सुर्वे की लोकेशन की जानकारी पुलिस को दी थी। दोस्तों, तो कुछ ऐसी थी मान्या सुर्वे की दास्तां। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।